है, हमारी खीर तैयार हो रही है। 3 लीटर मैंने दूध दिया था, इसमें खीर खीर मिक्स के 2 पैकेट डाले मैंने, इसमें इलायची डाली और अब ये तकरीबन आधा घंटे के लिए पकेगी। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि हमारी खीर कैसे तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं आधा घंटा पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि खीर हमारी माशाल्लाह तैयार होने वाली है। बस फाइनल लुक मैंने आपको इसकी दिखानी है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको पकाना है ताकि हमारी जो खीर है A1 बन जाए, ठीक है। और आप लोगों ने अगर मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, नियाज में ये बनाते हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। फिर से मैं बता देती हूँ, मैंने 3 लीटर दूध लिया, उसमें मैंने जो है खीर मिक्स के 2 पैकेट डाले, लजीज़ा खीर मिक्स के 2 पैकेट डाले और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब 5 मिनट पक गए लजीजा खीर के साथ, उसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और थोड़ा सा खोया डाल दिया और इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं कि खीर माशाल्लाह हमारी जो है तैयार होने वाली है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी, फिर आप मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। खीर हमारी जो है पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद करते हैं। आप बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह करूँगा।